नमस्कार, मैं जेपी यादव फ्रॉम भारत होम्स। आज मैं 3 BHK फ्लैट आपके लिए लेकर आया हूँ, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास में ही। बिल्कुल 300-350 मीटर, इससे ज़्यादा का डिस्टेंस है नहीं। कहने का मतलब है पैदल के रास्ते पे आपके पास ये फ्लैट्स हैं। और 3 BHK फ्लैट है, लिफ्ट है, विद कार पार्किंग है, साथ में बिजली पानी हर चीज़ का कनेक्शन वगैरह हर चीज़ हम लोग खुद ही करा के आपको देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 90-95% तक का आपको इस पर होम लोन हम करवा देंगे, या फिर आप करवा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आपकी अपनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए सैलरी वाइज या फिर इनकम वाइज कि भाई आप उतना आपका बैंक आपको प्रोवाइड करा दे। कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये फ्लैट ऐसे लोकेशन पे है कि अगर घर में दो ऐसे पर्सन हैं कि एक बंदा अगर सेंट्रल दिल्ली या फिर गाज़ियाबाद या नोएडा जा रहा है उसको भी सूटेबल हो जाएगा, और अगर कोई वर्किंग ऐसा है जो कि गुड़गांव या फिर साउथ दिल्ली में है तो उसको भी सूटेबल हो जाएगा। लोकेशन ऐसा है, एयरपोर्ट भी यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नज़दीक है, गुड़गांव नज़दीक है। तो कहने का मतलब है लोकेशन ऐसा है कि इसमें ना आप कह सकते हैं कि दिल्ली में बहुत अच्छे लोकेशन पे सस्ते फ्लैट शायद यही मिल सकता है। रेट के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको ऑलरेडी मिल रहा होगा वीडियो में, ठीक है। रही बात फ्लैट का सारा कुछ का, तो मैं आपको हर डिटेल आपको बताने के लिए मैं बताता हूँ। आप बहुत ही खूबसूरत फ्लैट है, अभी हम लोग लिविंग एरिया में हैं। फैंसी वॉलपेपर लगा हुआ है, हैवी फॉल सीलिंग है, और फ्लैट इस टाइप से है कि आप ये समझ लीजिए कि लिविंग एरिया में आप 3 साइड से आप सोफा लगा सकते हैं, राइट। बीच में आपका सेंटर टेबल आ जाएगा। लिविंग एरिया में स्प्लिट एसी की फिटिंग दी हुई है, राइट। और अब मैं आपको किचन की तरफ लेके आता हूँ। बड़ी किचन है, इस टाइप की किचन है कि इसमें 2 पर्सन एक साथ काम कर सकते हैं। हाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है, किसी भी उम्र के अगर कोई होंगे तो बच्चे हो बूढ़े हो सबके लिए कंफर्टेबल है ये हाइट के हिसाब से। मॉड्यूलर किचन है, चिमनी लगी हुई है, और आप देख सकते हैं जो आज के हिसाब से चल रहा है उसके मुताबिक का ही है। ये वॉशिंग एरिया है आपका, यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर का पॉइंट दिया हुआ है, आपका फ्रिज आ जाएगा। अब हम आपको, ये आपका कॉमन टॉयलेट है। अब मैं आपको पहले बेडरूम में लेके चलता हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन की भी कह सकते हैं कि आपके ये जो बेडरूम है, ये बेडरूम जो है ऑलमोस्ट 10x11 का बेडरूम है। कहने का मतलब है कि डबल 10x11 का बेडरूम का मतलब हो गया कि आपको स्पेस का दिक्कत नहीं है। स्प्लिट एसी की फिटिंग इसमें करी हुई है, और साथ में ये शाफ्ट है इसमें छोटा सा, राइट। फॉल सीलिंग दिखाइए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। आइए अब दूसरे, फ्लैट का नक्शा इस हिसाब से है कि ये जो 2 बेडरूम है ये बिल्कुल बालकनी की तरफ है। एक बेडरूम ऐसा है जो कि साफ्ट से लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों बेडरूम जो है ये बिल्कुल बालकनी की तरफ है, तो फुल्ली वेंटिलेटेड प्रॉपर है। अब आते हैं दूसरे बेडरूम में। ये आपका मास्टर बेडरूम है, इसके साथ में अटैच टॉयलेट भी है, और बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर लगा हुआ है, चॉइस अच्छा है। स्पेसियस फ्लैट है, फ्लोरिंग जो है वो आपका विट्रीफाइड टाइल्स का है, 2x2 की टाइल्स लगी हुई है। अटैच टॉयलेट है इसमें,
वॉल टू वॉल पूरा प्रॉपर टाइल लगी हुई है, सीलिंग का ये सीलन का आपको कोई कभी दिक्कत नहीं आने जा रहा है इसमें, राइट। इधर वेंटिलेशन का पॉइंट दिया हुआ है और बालकनी से लगा होने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे विंडो एसी लगेगा ऊपर में। उसके लिए यहाँ पे विंडो एसी का प्रोविज़न के लिए आपको फिटिंग सारी करी हुई है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने तीसरे बेडरूम में। इस बेडरूम में सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें टीवी पैनल लगा हुआ है। सबसे पहला चीज़ सिंपल एंड सोबर, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। स्टोरेज की भी इसमें आप छोटे मोटे सामान इसमें आप रख सकते हो। साथ में वॉलपेपर बढ़िया लगा हुआ है, ये सारा कस्टमाइज है। आप इसको अगर चाहेंगे तो आप इसको मैं अपने आपके हिसाब से आपके मुताबिक आपके कह सकते हैं कि आपके चॉइस से हम आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वार्डरोब बढ़िया लगा हुआ है, ठीक है। अंदर बाहर माइका है, वार्डरोब भी प्रॉपर है। फॉल सीलिंग दिखाइए, बहुत ही खूबसूरत फ्लैट, बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई डाउट है नहीं। इसी रूम से बालकनी लगा हुआ है और ये हम आ गए बालकनी एरिया में। यहाँ पे टैप लगी हुई है जो कि आपका वॉशिंग एरिया के रूप में काम आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा फ्लैट? तो अच्छा ही लगा होगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। बाय द वे, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।